अनेक जगहों पर पूरा वर्षापात हुआ है, प्रभावित हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है, ये सब देखा। तो अभी तो हम 2 तारीख को चले गए थे बाई रोड पटना जिला का, नालंदा का और नवादा का, उसको हमने बहुत सारे इलाकों को देख लिया था और उस समय उधर वर्षापात चलता ही चल ही रहा था। तो वही हमने देखा कि अगर कम होगा तो जाएंगे, तो आज ही के बारे में तय किया था। आज वही हम निकले यहाँ से वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर का इलाका, उसके आगे सीतामढ़ी, शिवहर, तब फिर पूर्वी चंपारण, तो इन सब इलाकों का पूरा हम देखते हुए, गोपालगंज का भी इलाका, और फिर लौटते हुए वैशाली इलाके में भी उसकी भी जानकारी मिली थी, पहले से भी कुछ प्रभावित था, उस सब को देख लिया है। जितना भी इससे प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, सबको हमने एरियली देख लिया और आज ही वही हम मीटिंग करने वाले हैं सभी संबद्ध जिलों के लोगों को और विभाग के सब लोगों को। और इसमें जो इसके पहले है, आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने पूरा आकलन किया था और हर जगह का एक असेसमेंट कर लिया गया था, जितने लोग प्रभावित हैं, फसल कितनी क्षति हुई है, या लोग लगा नहीं सके, फसल की शुरुआत नहीं कर सके, तो सबको के बारे में तय कर दिया। और फिर उसका तो हमने पूरा हर जिले से बातचीत करके किया ही, और उसके बाद हमने सारे प्रभारी मंत्रियों को हर जिले में उसकी मीटिंग करा के एक एक, ताकि सब जगह के MLA वगैरह सब लोगों को जो भी आइडिया हो और दूसरे जनप्रतिनिधियों को सबको बता दें। तो एक एक चीज़ का असेसमेंट किया जा चुका, लेकिन फिर जब इधर वर्षापात शुरू हुआ और काफ़ी वर्षा हुई है, तब हमने यही सोच लिया और इसके लिए देख लिया है। और आज फिर हम शाम में पूरी मीटिंग करने वाले हैं और हर जगह का आकलन करने का हमने निर्देश दे दिया है, और एक एक जगह का आकलन करके जो भी जो पहले का तय है, उसके आगे जितना भी इलाका प्रभावित हुआ है, उन सब लोगों को भी राहत के लिए और जो सहायता का हम लोगों का पहले से बना हुआ एक तरीका है, उसी हिसाब से हम सब लोगों को मदद करेंगे, और जिनके फसल की क्षति हुई है उनको मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे। और आज ही इसके लिए मीटिंग फिर हम करने वाले हैं। तो अनेक जगहों तो आपको हमने कुछ जिलों का बता ही दिया ना, और भी कहीं का कुछ भी है, सब लोगों से बातचीत करके इन लोगों को और भी जो सहायता देनी है उन लोग निश्चित रूप से सहायता करवाएंगे। आप जानते ही आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोग सब दिन से कार्रवाई करते हैं, और 4 महीना तो आप जानते हैं हम लोग इसी बीच पर अलर्ट रहते हैं, और अब तक अक्टूबर का रेयरली बहुत पहले कभी आया था, इस बार फिर अक्टूबर महीने में भी ऐसी स्थिति आ गई कि अक्टूबर महीने तक, तो अब तो लगभग कहीं एकाध दिन और पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन अब तो ये माना जा रहा है कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी इसके बाद भी होगा, उस सबका असेसमेंट करके सबको पूरी सहायता दी जाएगी। उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, दोनों ही महागठबंधन की खबर है, ऐसा लग रहा है कि RJD और कांग्रेस दोनों अलग हो गए हैं। अब ये तो आप ही लोग जो छाप रहे हैं, जो खबर आ रही है उसी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हर पार्टी का तो अपना अपना हिसाब होता है, तो जो करना है लोग कर रहे होंगे, लेकिन तरह तरह की बात भी लोग बोलते रहते हैं। सर, आपकी पार्टी दोषी तो है, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सजा याफ्ता है, दोषी करार हो गया है, वो सजा काट रहे हैं और उन्हें पेंशन दिया जाता है विधानसभा के द्वारा, क्या नैतिकता के आधार पर इसे आप सही मानते हैं, पेंशन देना किसी भी सजा याफ्ता को? देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है कुछ भी है, तो उनके लिए तो एक अलग से है ही बना हुआ, कोई सजा याफ्ता है तो उसके बारे में तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि रहा है तो उनको जो कुछ भी मदद मिलती है वो मदद दिया जाता है, वो तो आप सबको मालूम है। 2 सीटों पर सर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, फिर से सामने वाले की पार्टी लड़ रही है और पूरा NDA एकजुट है, सब लड़ रहे हैं, और अब तो जनता को फैसला लेना है। लालू जी भी आ रहे हैं चुनाव में, हम लोग जीत रहे हैं, फिर से दावा हो रहा है कि ये कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते रोजगार का मुद्दा फिर से कौन कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं, और जनता मालिक है, आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट सब हाल में भी तो JDU जीता था, हम लोगों की पार्टी जीती थी, और पूरा NDA ने मिल करके तय किया, एक साथ घोषणा किया, और आज ही के दिन दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया, तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे
चर्चा है कि लालू जी आ रहे हैं, चर्चा है कि लालू जी भी आएंगे भाषण सुनने। करे अपने कौन रुके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे क्या करेंगे, उनकी अपनी इच्छा है ना, जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उसे क्या इच्छा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।